हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ करंट एनर्जी जो कि मुझे रिसीव हुई है। और कल के लिए सॉरी बोलती हूँ, कल थोड़ा सा मेरा फिजिकल लेवल पे मैं आपको अपडेट नहीं दे पाई, थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी और शायद डिवाइन का ऑर्डर भी नहीं था तो नहीं दे पाई। तो बाकी चलो आज आपके लिए अपडेट है जो मुझे रिसीव हुई है। तो देखो जी, थोड़ा सा कहूँ तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपके थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, थर्ड पार्टी आपकी तरफ भी हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है, वो DF के अगेंस्ट आपके पार्टनर को हटने के लिए बोल रही थी। बार 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 उन्होंने वो कोशिश की, चाहे ब्लैक मैजिक करवाया, चाहे बोलो घर में कलेश किए, ट्रिगर किए आपके DM को कि हट जाओ, कि पीछे हट जाओ, सारा फोकस आपको मनी कमाने में होना चाहिए, ना कि आपको अपने DF की तरफ जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो क्रिएशन हो रही थी, बार बार उनको हटाने की कोशिश की जा रही थी, बार बार उनके हार्ट ब्रेक किए जा रहे थे आपके पार्टनर के, बार बार ऐसी बातें बोल दी जाती थी जब बार बार वो टूट रहे थे। जो टूट रहे थे ना, वो यहाँ कमाल कर गया, क्योंकि वो टूटना ही कर्मा रिलीज हुआ, इसीलिए वो कुछ समझ पाए। और उनका एक लॉजिकल माइंड जो पहले चलता था फाइनेंस की तरफ या थर्ड पार्टी की तरफ, वो मूव ऑन कर दिया डिवाइन ने, पुश करके DF के ऊपर फोकस। क्योंकि बार बार जब हम किसी के बारे में बात करते हैं ना, तो हमारा फोकस वहीं हो जाता है, उसी चीज़ पे। जब हम ट्रिगर होके और उस सिचुएशन से बाहर आते हैं और थोड़ा सा पीस फील करते हैं, जब हमारा माइंडसेट बिल्कुल शांति से सोचना शुरू करता है, फिर हम अपने पार्टनर को ही याद करते हैं। आपके पार्टनर इस टाइम इमोशनल हो रहे हैं, डे ड्रीमिंग देख रहे हैं, आपके लिए आगे का फ्यूचर देखते हुए नज़र आ रहे हैं। क्राइंग एनर्जी भी मुझे कुछ लोगों की फील हो रही है, हो सकता है आप हो सकता है आपके पार्टनर हो, लेकिन मुझे फील हो रही है। घबराहट हो सकती है आपको, थॉट ब्लॉक हो सकता है, कि हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी आपको ना बताएं। और 24 घंटे का टाइम होता है, कोई भी एनर्जी होती है तो 24 घंटे का टाइम लेके चला करो, या तो पहले हो सकता है नहीं तो बाद में भी हो सकता है, ठीक है जी। फिलहाल आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन, जो बार बार उन्हें एक लूप में फंसाया जा रहा था, तुम्हें ये नहीं करना तुम्हें वहाँ जाना है, ज़बरदस्ती का सौदा उनके साथ किया जा रहा था, अब वो समझ चुके हैं मुझे मेरे DF के साथ जाना है, मुझे अपनी जर्नी क्लियर करनी है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे पर्पस करना है। पर्पस के लिए भी वो रेडी हो रहे हैं, कुछ उन्हें फाइनेंशियल ग्रोथ होती भी नज़र आ रही है। अब वो अपने हो सकता है कि पर्पस की तरफ बढ़ेंगे और कुछ से कुछ जिम्मेदारियाँ खुद के लिए लेंगे। हो सकता है कि वो DF उनकी सपोर्ट में सिस्टम में थी तो बार बार उन्होंने उनका सपोर्ट ही किया होगा, लेकिन जब उन्हें समझ आई ना कि नहीं अब हमें जो देखो हमें कोडिपेंडेंसी से बाहर आना है, ठीक है जी। कोडिपेंडेंसी से बाहर आके उन्होंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे सारा बोझ अपने DF के ऊपर नहीं डालना, मुझे तो बैलेंस करना है, आज नहीं तो कल सब चीज़ तो बैलेंस होके चलेंगी। तो आज उनकी जो बैलेंसिंग स्टार्ट हुई है ना, रूट चक्र उनका क्लींस हुआ है, तो रूट चक्र अभी फिलहाल अभी भी वर्क चल रहा है, बैलेंसिंग चल रही है, उन्होंने की एक सोच बदली है, अभी काम चलेगा। तो आपके पैरों में दर्द होने के चांसेस हैं, रूट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, अगर कोई नस ब्लॉक है या आपके पैरों में दर्द हो रहा है, या आपको कह सकती हूँ कि रूट से रिलेटेड जितने भी आपको प्रॉब्लम होती हैं, वो अगर प्रॉब्लम हो रही है, सेक्सुअल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है। मेल भी हैं तो मेल भी अपने हिसाब से देख लें जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यहाँ कुछ भी पॉसिबल है रूट चक्रा से रिलेटेड। वो क्लिनजिंग होगी, अभी होगी, स्टार्टिंग हुई है, होगी, ठीक है। बैलेंसिंग चल रहा है क्योंकि सोच बदली है, तो यहाँ ज़रूर आपका बैलेंसिंग चलेगा और फाइनेंस को लेके भी चलेगा। और आपके DM ने इस टाइम ये सोचा है कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरी DM से डिटैच करने का आपका कोई मतलब नहीं है, वो मेरी लाइफ है, मैं जैसे मर्जी जीऊँ। ये एक्शन मोड पे आपके पार्टनर आए हैं जो कि जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो चाहे कैसी भी हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, वो यहाँ पे वो गेम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें DM ही देख के अपनी जर्नी को देखना होता है। आप लोग 3D में देखते हो, इसीलिए कन्फ्यूजन स्टेट में रहते हो कि अब क्या होगा, वो तो मैरिड है, वो तो कुछ कर नहीं सकते, यहाँ सब पॉसिबल है। पहली बात तो हमें ये चीज़ देखनी नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ जर्नी के अकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि सोल हम DM को ही काउंट करते हैं, ट्विन फ्लेम को, हमारे 3D में सिर्फ सर्वाइव करते हैं, और उसके देखो सर्वाइव तो सबको करना पड़ेगा,
और ये जर्नी रुकती नहीं है, चलती रह गई। अगर आज हम मेंटर्स का मतलब नहीं, हमारी जर्नी नहीं चल रही, हमारी भी चल रही है, हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रही है, आपकी भी चलेगी, आपके डिमेंशन के अकॉर्डिंग चलेगी। हर चीज़ को समझना है, ठीक है। आपके पार्टनर को बार बार इल्यूज़न हो रहा था, क्योंकि वो बार बार कई बार आपको रिजेक्ट किया गया है इसी वजह से, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे। क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन भी होते हैं, डिवाइन गेम प्लान गेम होते हैं, कर्मा रिलीज होता है, तो बार बार रिजेक्शन भी मिलता है डीएफडीएम, आप दोनों में ही अपना देख लेना। लेकिन अब आपके पार्टनर को क्लैरिटी है कि मेरा पार्टनर यही है, अब मुझे इसके साथ बढ़ना है, अब उसे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज लूँगा थर्ड पार्टी की, सिर्फ जो मेरे से बनता है, जो मेरे को करना है वो मैं करूँगा, लेकिन अपने डीएफ को नहीं छोड़ूंगा या डीएम को नहीं छोड़ने वाली। ये सब आपके पार्टनर में कॉन्फिडेंस बढ़ा है, सोलर प्लेक्सस एक्टिव हुआ है, रूट चक्रा की क्लिंजिंग चल रही है, रूट चक्रा भी बैलेंसिंग में चल रहा है, आठ चक्रा आपका ओपन हुआ है, थर्ड चक्रा अभी 50-50 में कहूँगी, ज़्यादा एक्सप्रेसिव तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कभी भी कॉल मैसेज या आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये चल रहा है। थर्ड आई आपका ओपन है, आपका लॉजिकल माइंड इमोशनल दोनों में समझ रहे हो हमें कब कब क्या इस तरीके से काम करना है, ना ज़्यादा लॉजिकल ना ज़्यादा इमोशनल, बैलेंसिंग करके चलना है, और डिवाइन से कनेक्शन आपका क्राउन चक्रा ओपन हो चुका है, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग आनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो सारे चक्रास आपके इस टाइम एक्टिविटेशन में चल रहे हैं, तो कुंडली अवेकनिंग के चांसेस भी हैं, कुछ लोगों की कुंडली अवेकनिंग होंगी, ठीक है जी। अगर आपके फिजिकल 3D में, 3D वर्ल्ड में अगर आपकी चीज़ें सरफेस होनी शुरू हुई हैं हर एक चक्रास के ऊपर, जहाँ जब वो हिडन थी, कोई बीमारियाँ बाहर आ रही हैं, कुछ सोच बदल रही है, हर तरीके से जहाँ जहाँ आपको लगता है कि चक्रास के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, तो समझ जाना आप बहुत नज़दीक जाते जा रहे हैं अपने यूनियन के, ठीक है। जो सारे साइन अभी मैंने आपको बता दिए, अपना देख लेना, फोकस सारा आपके पार्टनर का आपके ऊपर कर दिया गया है, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग है, और जितना पॉजिटिव पेशेंसली इस पैटर्न को समझोगे, ट्विन फ्लेम जर्नी को समझोगे, तो फिर आप बहुत जल्दी अपनी जर्नी को कवर भी कर पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मुझे अब तक की ये अपडेट, और फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।